आजकल तो बहुत बनुआ बाबा घूमते हैं, गली गली गुरुआ घूमे, चलते कंटी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें दक्षिणा दे। सत्ता संत है, अगर अगर उसने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिषी के बताने पर महाराजा अश्वपत अपनी धर्म पत्नी के पास साथ में माता सावित्री की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक महीने बीते, दो महीने बीते, धीरे धीरे करके इधर जब नौ महीने पूर्ण हुए तो रानी के गर्भ से माता सावित्री की कृपा हुई, एक बिटिया का जन्म हुआ। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, सोचा ही जमाने भर की खेल नहीं है। जब उस बिटिया का जन्म हुआ तो महाराजा अश्वपत इतना खुशी हैं कि मानो सारे पूरे आंगन में झूम रहे हैं, मानो उन्हें सारे जहान की खुशियां मिल गई। जब इंसान को किसी चीज की लालसा होती है, जब वह वस्तु या चीज मिल जाती है तो फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती, सिर्फ उसी में इंसान मुक्त हो जाता है। कैसी हो बिटिया, और ज्योतिषियों को बुला करके उसका नाम क्या रखा गया है? कि अरे मनमगन भई नर नारी, अरे मनमगन भई नर नारी, अरे महलन में खुशियां भारी, अरे जकी चिंता मिट गई सारी, लाड़ो सबको लग रही प्यारी, जहां देवी की होनहार होनहार एक बिटिया घर में आई है, एक बिटिया घर में आई है, एक लाड़ो घर में आई है, जहां देवी जहां मैया की होनहार होनहार एक बिटिया घर में आई है। आज महाराजा अश्वपत उस पुत्री को लेकर के कभी किसी को मुद्रिका निकाल करके दे रहे, किसी को हार, किसी को जवरात, किसी को असरफियां, किसी को पैसे दान कर रहे, इतना खुश हैं कि मानो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ज्योतिषियों को बुलाया गया, ज्योतिषियों ने जैसे उस पुत्री को देखा तो विचार किया, ये पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं। पत्रा खोल करके देखा, ये माता सावित्री की कृपा से हुई है, इसीलिए इसका नाम सावित्री देवी रख दे। पहले के जमाने में जब बच्चे का जन्म होता था तो माताएं बहने ज्योतिषियों बाबाओं को बुला करके उनका नामकरण करती थी। आजकल जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो माताएं बहने पहले से डिसाइड कर लेती बच्चों का नाम क्या रखना, किसी को आर रखती, किसी को यश, किसी को बी, पता नहीं कौन कौन से नाम है। कहने का तात्पर्य, जब ज्योतिषियों को बुला करके उस पुत्री का नामकरण करवाया गया, आज महाराजा अश्वपत के घर में इतनी खुशियां मनाई जा रही, पूछो ना कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और एक छोटा सा शोर हो जाए कि कैसी ननद हट जाई हो, मोरे मचले मोरे अंगना, कैसी मचले मोरे अंगना, मचले मोरे अंगना,
कैसी ननद हट जाई हो, मचले मोरे अंगना। और द्वारे से आवे ससुर समझावे, द्वारे से आवे ससुर समझावे, ए दे दो बहु रानी कंगना, ललना के भये मां दे दो। द्वारे से आवे जीठ समझावे, द्वारे से आवे जीठ समझावे, दे दो बहु रानी कंगना, ललना के भये मां दे दो। कैसी ननद हट जाई हो, मचले मोरे अंगना। कैसी मचले मोरे अंगना, मचले मोरे अंगना, कैसी ननद हट जाई हो, मचले मोरे अंगना। आज महाराजा अशुपत के घर में इतनी खुशियां मनाई जा रही। रानी कभी अपनी बेटी को गोदी में लेती, तो कभी मस्तक पे चुमन करती, तो कभी बाहर दास दासियों के पास में ले जाती। नाना प्रकार की खुशियों को देख करके आज कामदेव भी उस पुत्री को देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि उनकी पलक नहीं हटती कि मैं इस पुत्री को देखता ही जाऊं। कितनी सुंदर है सावित्री, ज्यों ज्यों अपने माता पिता के आंगन में पल रही है त्यों त्यों उसका रूप निखरता आ रहा है। बेटियां तो दूसरे घर की अमानत होती है, एक ही कोख में बेटा और एक ही कोख में बेटी का जन्म होता है, पर बेटी को विदेश दिया गया और बेटी को घर में रखा गया। ये तो देवताओं से रिवाज है कि बेटियां अपने घर में नहीं रखी जा सकती, बेटियों का जन्म दूसरे के घर के लिए हो। इधर जब धीरे धीरे सावित्री अपने माँ बाप के आंगन में पलने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बच्चों को बढ़ते टाइम नहीं लगता है। जब इधर सावित्री 12 वर्ष की हुई तो मैया ने अपने पास में बिठा करके बोली है, बिटिया एक काम करो। बोलो माँ। बोली लली तुम कहीं बाहर घूमने मत जाया करो, क्योंकि ये समाज दूसरे प्रकार का है। बिटिया ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया है, माँ जैसा जो कोई करता है उसी के अनुसार उसको परिणाम मिलता है, और अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता की